हेलो, द रोमन रेंज पिछले 3 साल से चैंपियन है। उनके जैसा लेजेंडरी टाइटल रेन ना कभी हुआ है और बहुत लंबे टाइम तक होगा भी नहीं। तो मैंने रोमन रेंज के टॉप 5 बेस्ट मैचेस वाली वीडियो तो बनाई थी एक बार, बट अब एमडी शॉट की तरफ से कमेंट आया कि जय ब्रो, रोमन रेंज के इस टाइटल रेन में उनके जो बेस्ट मैचेस रहे हैं वो टॉप 5 मैचेस बताओ। हाँ, और आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक होगा तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैच से, जो कि हमें देखने को मिला था इसी साल रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप। अब देखो, बात थी कुछ ऐसी, पूछो कैसी, कि भाई इस टाइम पे तो हर एक फैन मान के बैठा था कि इस मैच में तो डेफिनेटली कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, फाइनली वो डीथ्रोन कर देंगे रोमन रेंज को। एंड यार, पहले तो इनकी एंट्रेंसेस, पहले जब कोडी रोड्स की एंट्रेंस हुई तब जो उनकी एंट्रेंस में वो वाली चैंट सुनने को मिली, स्टेडियम ब्रेकिंग बिल्कुल। और उसके बाद रोमन रेंज की द फाइनल बॉस वाली एंट्रेंस, यार वो पियानो, वो म्यूजिक, वो फील, मजे आ गए थे देखने में। एंड फाइनली ये मैच फिर शुरू होता है और ज्यादा वेट भी नहीं करवाया है इन्होंने, आते एक पेस पे मैच शुरू कर दिया। दोनों सेम मोमेंटम से रेसल कर रहे थे, बट बीच में सोलो सिको जो थे रोमन रेंज की साइड, उन्होंने काफी चुल की। मैच की कूल स्पॉट्स की बात करूं तो अनाउंस टेबल पे एक स्पॉट आता है जब शायद रोमन रेंज उन पे पावर बॉम्ब लगाने लगे थे, लेकिन कोडी रोड्स ने उसे रिवर्स कर दिया था और रोमन रेंज को दूसरे अनाउंस टेबल पे फेंक दिया था। इसके बाद जब ये दोनों रिंग में आते हैं, कोडी रोड्स एक कमाल का कोडी कटर हिट करते हैं यार रोमन रेंज पे, लेकिन उनको मोमेंटम गेन करता देख सोलो सिको उन पे एक स्ट्रैप से हिट कर देते हैं, जिससे कि फाइनली रेफरी देख लेता है और इस बार सोलो सिको की चुल पकड़ी गई तो रेफरी ने उन्हें रिंग साइड से निकाल दिया। उसके बाद फिर कोडी रोड्स में जान आई थोड़ी और उसी का फायदा उठा के कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट कर दिया रोमन रेंज पे, पिन किया उन्हें 1-2, लेकिन ही स्टिल किक्ड आउट। यार कोडी रोड्स ने फिर एक पेडिग्री हिट कर दी रोमन रेंज पे यार, जो कि ट्रिपल एच का मूव है, फिर पिन किया उन्हें लेकिन ही स्टिल किक्ड आउट। मतलब जितना कुछ ट्राई कर सकते थे कोडी रोड्स, उन्होंने सब ट्राई कर लिया था इस मोमेंट तक। बीच में हमारे कोडी रोड्स गलती से रेफरी को मार देते हैं और ये तो यूजुअली होता है यार रोमन रेंज के मैचेस में, कागज के टुकड़े जैसा रेफरी ले आते हैं, हर बार बेहोश हो जाता है यार। एंड जैसे ही कोडी रोड्स एक और क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं, तभी वहां पे यार उसोस की इंटरफेरेंस देखने को मिल गई, उन्होंने लगा दी सुपर किक्स वगैरह कोडी रोड्स पे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि भाई ये नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए वहां पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी आ गए, उन्होंने फिर उसोस को साइड लगा दिया और रोमन रेंज पे पहले केविन ओवेंस ने अपना स्टनर हिट किया, उसके बाद सैमी ज़ेन ने अपनी हेलुआ किक लगाई। एंड इस मोमेंट में तो कसम से लगा था कि भाई मैच खत्म है, यहां से कुछ नहीं होने वाला, एंड कोडी रोड्स ने उन्हें पिन कर दिया 1-2 एंड रोमन रेंज स्टिल किक्ड आउट। यार अब यहां तक तो भाई इतना कमाल हो गया था मैच की, समझ ही नहीं आ रहा था यार कि अब कौन जीतेगा कौन हारेगा। देन कोडी रोड्स फाइनली एक और बार अपने फिनिशर के लिए जाते हैं, एक बार क्रॉस रोड्स हिट करते हैं रोमन रेंज पे, फिर उठाते हैं, दूसरी बार क्रॉस रोड्स हिट करते हैं रोमन रेंज पे और फिर से उठाते हैं, तीसरी बार करने लगते हैं तो पॉल हेमन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी डिस्ट्रैक्शन के चलते रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रेफरी की डिस्ट्रैक्शन के चलते सोलो सिकोवा जिन्हें रिंग साइड से निकाला था वो अपनी समॉन स्पाइक हिट कर देते हैं कोडी रोड्स पे, रोमन रेंज ने उठा लिया उसका फायदा और उसी वक्त एक कमाल का जबरदस्त स्पीयर हिट कर दिया कोडी रोड्स पे 1-2 and 3 एंड बिल्कुल शॉकिंगली रोमन रेंज ने स्टिल रिटेन कर ली थी अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि कोई सोच भी नहीं रहा था उस टाइम पे, सारे के सारे बेटिंग ऑर्ड्स फेल हो गए थे। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिला था समर स्लैम 2022 में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप, बट ये था एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच एडवर्टाइज किया था कि भाई ये इन दोनों का लास्ट मैच हो रहा है। और भाई क्या कमाल का मैच था यार ये, एंट्रेंस टाइम पे ब्रॉक लेसनर अपना ट्रैक्टर लेके आ गए थे और मैच स्टार्ट होता है बिल्कुल फास्ट पेस पे, जब ब्रॉक एकदम से जंप लगा के रोमन रेंज पे अटैक करना शुरू कर देते हैं गंदाई, उन्होंने कहां कहां नहीं फेंका यार रोमन को, रिंग साइड पे ले जाके यहां सुप्लेक्स दे मार रहे हैं, वहां सुप्लेक्स दे मार रहे हैं और बहुत देर तक ब्रॉक लेसनर के पास में मोमेंटम रहता है, इवन वो ट्रैक्टर का जो भी फ्रंट पार्ट होता है उसमें डाल देते हैं यार रोमन को और उससे उठा के रिंग में फेंकते हैं, फिर थोड़ी और तोड़ फोड़ की उन्होंने रोमन के साथ और फिर आता है वो मोमेंट जो कि यार कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक ऐसी चीज किसी ने पूरी प्रो रेसलिंग हिस्ट्री में नहीं देखी होगी, जब वो ट्रैक्टर में चढ़ते हैं रोमन रेंज होते हैं रिंग के अंदर और वो उस ट्रैक्टर से पूरी रिंग को ही पीछे कर देते हैं और जैसे ही हमें लगता है कि सिर्फ यहीं तक था तभी ब्रॉक पूरी की पूरी रिंग ही उठा देते हैं यार, जिसके अंदर रोमन रेंज थे। यार वो मोमेंट मतलब सच में कोई नहीं भूल सकता यार कभी, बट वही मैच के एंडिंग मोमेंट्स में वही सारी चीजें हो गई, ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं अपने मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए लेकिन ब्रॉक उन्हें साइड लगा देते हैं और उस डिस्ट्रैक्शन के चलते यार उसोस भी इंटरफेयर कर गए मैच में, उन्होंने ब्रॉक को काफी ज्यादा मारा, उनकी हेल्प से रोमन ने स्पीयर हिट कर दिया ब्रॉक पे और फाइनली जितनी भी आसपास चीजें पड़ी हुई थी टेबल स्टील स्टेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा और फिर उनके ऊपर खड़े हो गए, तब रेफरी ने 10 काउंट किया और इसी के साथ रोमन रेंज ने रिटेन कर ली थी यहाँ पे भी अपनी चैंपियनशिप। भाई क्या कमाल का मैच था यार। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला था रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंज वर्सेस डेनियल ब्रायन वर्सेस द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बीच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ज्यादा
उम्मीदें लग रही थी कि एज शायद इस मैच को जीतेंगे, वो टाइटल जीत जाएंगे, क्योंकि भाई पूरे 10 साल बाद उनके पास वो चैंपियनशिप जीतने का मौका था जो कि वो कभी हारे नहीं थे। तो मैच एक काफी फास्ट पेस पे शुरू होता है। जे उसो भी रोमन रेंज की हेल्प कर रहे थे यार मैच के बीच, लेकिन रोमन और जे उसो को जल्दी साइड लगा दिया एज और डेनियल ब्रायन ने मिलकर। और फिर जब ये दोनों ही बचते हैं तो ये भी लड़ते और काफी कूल स्पॉट्स करते हैं यार। लेकिन जैसे ही रोमन रेंज की वापसी होती है यार, वो स्पेयर के लिए जाते हैं तो एज भी स्पेयर के लिए जाते हैं और दोनों के स्पेयर टकराते हैं आपस में। ऐसी चीज मैंने पहली बार जिंदगी में देखी यार। और चेयर का एक जो टुकड़ा बचा होता है उससे वो सबमिशन मूव लगा देते हैं यार रोमन रेंज पे। लगा था कि भाई यही मैच का एंड है। इवन डेनियल ब्रायन आ गए, लगा वो छुड़ाएंगे, उन्होंने भी सबमिशन लगा दिया। दोनों ने सबमिशन लगा दिया एक ही टाइम पे रोमन पे। मैंने सोचा ये शायद वो कॉन्ट्रोवर्शियल वाली एंडिंग करने वाले, लेकिन ना जी ना, यहाँ पे नहीं हुआ मैच खत्म। इसके बाद इतना गुस्सा आया एज को कि भाई दोनों पे उन्होंने इतने सारे चेयर शॉट्स लगाए ना कि क्या बताऊं। जे उसो फिर से आ जाते हैं मैच के बीच, उन पे भी स्पीयर हिट कर दिया एज ने। लेकिन यार उसकी डिस्ट्रैक्शन के चलते रोमन ने उसका फायदा उठाया, स्पीयर हिट किया एज पे और एक चेयर शॉट भी लगाया उनके हेड के ऊपर। एज को उठा के डेनियल ब्रायन पे रखा और दोनों को एक साथ पिन किया, जो कि एक क्लासिक मोमेंट था यार। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि था रोमन रेंज वर्सेस डेनियल ब्रायन का मैच, जो कि इसी रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन के एक एपिसोड में हुआ था। एंड ये वो मैच था जहां पे हमें फॉर द फर्स्ट टाइम रोमन रेंज का न्यू थीम सॉन्ग सुनने को मिला था। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन डेनियल ब्रायन अपना लास्ट मैच रेसल कर रहे थे WWE में। तो हां ये मैच शुरू होता है और काफी फास्ट पेस पे शुरू होता है यार। डेनियल ब्रायन मतलब स्टार्टिंग से सारी चीजें करना शुरू कर दी थी कि भाई अभी मैं यस लॉक लगा दूंगा, अभी मैं जितना मार सकता हूं अभी मार दूंगा, कि भाई रोमन के पास बिल्कुल मोमेंटम आए ना, ले ही जाऊं मैं सीधे चैंपियनशिप आते ही। लेकिन ज्यादा देर तक उनकी ये चीजें काम नहीं कर पाई क्योंकि रोमन ने जल्दी मोमेंटम गेन कर लिया था। लेकिन यार जिस तरह की डेनियल ब्रायन की परफॉर्मेंस इस मैच में देखने को मिली थी, मुझे बिल्कुल इनके फास्ट लेन 2015 वाले मैच की याद आ गई। क्या क्या कमाल कमाल के स्पॉट्स नहीं देखने को मिले यार डेनियल ब्रायन की तरफ से, चाहे वो इन रिंग वाले हो चाहे वो टॉप रॉप वाले हो, मजे आ गए थे देखने में। डेनियल ब्रायन एक रनिंग नहीं हिट करने लगते जैसे रोमन रेंज पे, रोमन रेंज ने उसे रिवर्स करके उन पे सुपरमैन पंच हिट कर दिया। बट जब स्पेयर के लिए जाते हैं तो डेनियल ब्रायन ने रोल अप कर दिया उन्हें। पिन तो नहीं हुआ लेकिन डेनियल ब्रायन ने अपनी रनिंग नहीं हिट कर दी। फिर से पिन किया लेकिन रोमन ने अपना पैर रख दिया रॉप के ऊपर, अपना यस लॉक लगाते थे रोमन रेंज पे। काफी देर तक वो उस होल्ड में रहे। रोमन ने उसके बाद जो धोया है डेनियल ब्रायन को कैसे कैसे उठा उठा के नहीं फेंका, फाइनली अपना सबमिशन मूव लगा दिया जिसपे की पास आउट हो गए डेनियल ब्रायन। रोमन ने इसी के साथ रिटेन कर ली थी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। चलो अब चलते हैं हम अपने फाइनल मैच की तरफ, जो कि रोमन रेंज का मेरे अकॉर्डिंग तो उनके टाइटल रेन का बेस्ट मैच है। ये हुआ था क्लैश एट द कैसल 2022 में, रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सबको लग रहा था कि यार यहाँ पे तो टाइटल चेंज पक्का होगा ही होगा। ड्रू मैकइंटायर का होम क्राउड था उनके सामने। स्टार्टिंग में तो दोनों अपनी पावर ही शो कर रहे होते एक दूसरे को कि भाई किस में ज्यादा दम है। बट असली मैच पेस वहां से पकड़ना शुरू करता है जब ड्रू मैकइंटायर DDT हिट करते रोमन पे, फटाफट जाते हैं अपनी क्लेमोर किक के लिए, लेकिन उसे रिवर्स करके रोमन ने सुपरमैन पंच हिट कर दिया ड्रू पे। स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन उसे भी रिवर्स कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर। बट उसे भी रिवर्स करके रोमन ने फाइनली स्पीयर हिट कर दिया ड्रू मैकइंटायर पे, पिन किया उन्हें। लेकिन स्टिल ड्रू मैकइंटायर किक आउट यार। रोमन ने अपना सबमिशन तक लगा दिया लेकिन उस पे भी ड्रू मैकइंटायर बच गए। एंड फाइनली ड्रू एक और क्लेमोर किक के लिए जाते हैं रोमन पे, बट रोमन ने उसे भी रिवर्स करके अपना स्पीयर हिट कर दिया ड्रू पे, फाइनली पिन किया उन्हें 1-2 एंड ही स्टिल किक्ड आउट। अरे यार यहाँ तक तो भाई मेरा भी पूरा दिमाग का दही हो गया था कि यार ये चल क्या रहा है। रोमन करने लगते रेफरी से बहस कि भाई 3 पिन क्यों नहीं कर रहा है तू, और वही बहस करते करते पीछे से ड्रू मैकइंटायर ने उनकी बैक पे क्लेमोर हिट कर दी यार। रोमन को तो लगी लेकिन रेफरी कागज का टुकड़ा वो भी बेहोश हो गया। ऑस्टिन थ्योरी इसका फायदा उठा के कैश इन करने आ रहे थे लेकिन टाइसन फ्यूरी जो बैठे थे साइड में उन्होंने नॉकआउट कर दिया उनको। एंड रिंग में क्या हुआ, ड्रू मैकइंटायर ने फाइनली एक और क्लेमोर हिट कर दी रोमन रेंज पे, पिन किया उन्हें। लगा यहाँ तो बस अब तो खत्म है गेम, लेकिन तभी रेफरी गायब हो गया अचानक से। और वो कैसे, क्योंकि एक बंदे ने रेफरी को रिंग से ही नीचे खींच लिया, और वो बंदा कौन निकला, हमारे सोलो से गोवा। बस इसी की डिस्ट्रैक्शन से रोमन ने अपना स्पेयर लगा दिया ड्रू पे, पिन किया उन्हें 1-2 and 3। रोमन ने इसी के साथ यहाँ पे भी रिटेन कर ली थी अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यानी कि जितने टाइम पे हमें लगा आज तक जब रोमन हार सकते हैं वो तब भी नहीं हारे हैं। बाकी यार यही थी वो टॉप 5 मैचेस, जो कि मेरे अकॉर्डिंग उनके टॉप 5 मैचेस थे उनके इस रेन में। आपके अकॉर्डिंग वो कौन से मैचेस है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी देख लो इसको। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।